लोकसभा चुनाव के अंतर्गत होम वोटिंग को संपन्न कराने प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मास्टर ट्रेनरों द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में पोलिंग कर्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जनपद चमोली में 8 अप्रैल को होम वोटिंग संपन्न कराई जाएगी। किसी कारण से जो लोग छूट जाएंगे उनको 10 अप्रैल को मतदान का अंतिम अवसर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जो अपने बूथ पर जाने में सक्षम नहीं है उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। जनपद चमोली में 85 दिव्यांग और 279 वरिष्ठ नागरिकों सहित कुल 345 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए अपना आवेदन किया है, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 111, थराली विधानसभा में 116 और कर्णप्रयाग विधानसभा में 118 मतदाता शामिल है। होम वोटिंग के लिए बद्रीनाथ विधानसभा में 19, थराली विधानसभा के लिए 14, कर्णप्रयाग विधानसभा के लिए 22 सहित कुल 55 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 85 वर्ष की एज से ऊपर के मतदाता हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की गई है, जिसके क्रम में जिन मतदाताओं ने भी इसके लिए आवेदन किया है और वो इसमें स्वीकृत हुए हैं, तो उनमें हमारी पोस्टल बैलेट के लिए होम वोटिंग की टीम घर घर जाकर उनका मतदान करवाएगी। उसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दी गई हैं। उसके क्रम में कल हमने उसकी ट्रेनिंग भी कराई, जो ऐसे हमारे पोलिंग कर्मचारी हैं जो घर घर जाके मतदान कराएंगे। टोटल जनपद में करीब 345 मतदाता हैं तीनों विधानसभा में मिलाकर, जिनको यह व्यवस्था दी जाएगी। 8 तारीख को पहली बार जो टीम्स हैं वो जाएंगी। किसी कारण से अगर कोई मतदाता 8 तारीख को उपस्थित नहीं हो जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा एक और बारी इसको प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वो हम 10 तारीख को वो गतिविधि संचालित करेंगे।